एक्सक्यूज मी, आज तू करी रिया समय भाई। क्या सोचू क्या? सू 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 मीन्स यू, व्हाट यू डूइंग? ऐसा आप दोनों कर क्या रहे हैं? एक दफा प्लान बना ले फिर बताते हैं तुम्हें। ये जमीन नापने वाली टेप है इधर? जमीन नापने वाली टेप? मेजरिंग टेप का ही है ना? सर, कैन वी हैव द मेजरिंग टेप प्लीज? यस सर, वन मेजरिंग टेप कमिंग अप। वैसे दानिश को बताए बगैर हमें काम शुरू नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको असिस्ट कर रहा हूँ, इसमें दंगावली कहाँ से आ गया? दंगावली नहीं है वो, और तुम मुझे किस बात पे असिस्ट कर रहे हो जबरदस्ती? क्योंकि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। इधर किधर, सिनेमा हॉल में? Obviously, अगर दंगाबली को कोई एतराज ना हो तो मैं इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ। Are you sure? More than ever. बाजी बेराज यू, इत्थे ते आना जरा। आओ ना माजी। ये क्या है भाई? माजी ये ना, मैं आपके लिए कुर्ता लाई हूँ, पहन के बिल्कुल जेबापा लगेंगी। जेबा मोहम्मद अली की बात करें, उफ मैं कहाँ लग सकती उनकी तरह। बताया तो स्क्रीन पर एक सितारे की तरह चमकती थी, बल्कि वो तो थी ही सितारा। लेकिन तुम ये क्यों ले आती हो मेरे लिए चीज़ें? माँ जी तुसी बिलीव करो ना तुसी बिल्कुल मेरी मदर जैसे हो। वैसे माँ जी अगर आप मुझे वो रोल ना देती ना तो सारी उम्र मैंने पंजाबी फिल्मों की हीरोइन रह रह के बिल्कुल ख़त्म हो जाना सी। अच्छा खैर ये बताओ कि अपने लिए भी कुछ लिया या नहीं? ना माँ जी कुछ पसंद नहीं आया, मेरे टाइप के कपड़े कराची में अभी तक नजर नहीं आए ना। सो जैसे गुड़िया के लिए दो सूट लाई हूँ और सास साहब के लिए एक बुशर्ट। अच्छा तानिया, इसको क्या हुआ? क्या हो? अपनी मम्मी से मिलने गई थी। मैं देख कर आऊँ उसे क्या हुआ? नहीं अभी रहने दीजिए, उसे कुछ देर अकेला छोड़ दें। मैं तो हैरान हूँ कि बेटी को देखकर भी तानिया का दिल नहीं पिघला। इसीलिए तो कहती हूँ गलत टाइम पे एंट्री मारी थी तानिया ने। वैसे एड्रेस किसने दिया? भाई जब वो कराची शिफ्ट हुई थी उसने मुझे एड्रेस दिया था, मैंने इसको दे दिया। देने की क्या जरूरत थी माँ जी, तानू भी शौक है ना पंगे लेने का। अगर ना एड्रेस देती तो मूड खराब होता। मैं तानिया को कह दूंगा कि एहसान अंकल ने आपको मना किया था बताने से, आप परेशान ना। This is awesome. हम दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी है। हाँ, लेकिन I'm afraid दानिश को समझ नहीं आएगी। उसे कौन बनाएगा? उसे तो मैं ऐसी feasibility report बनाकर दूंगा, अगर थोड़ा भी business sense हुआ ना समझ जाएगा। मगर मगर क्या? मगर unfortunately तुम्हें ही दंगाबली को convince करना होगा। Unfortunately? से मेरी कोई सिंपल बात समझ नहीं आती। मैं डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर सकता हूँ, मगर मुझे देखते ही दंगाबली की शक्ल पे ऐसा गुस्सा आता है जैसे दोजख की आग। आई डोंट थिंक ही लाइक्स मी। यही मिला था तुम्हें एंगेजमेंट करने के लिए? वेट अ मिनट फ्रेडी, अगर तुम वाकई समझते हो कि हमें साथ काम करना चाहिए तो एक तो तुम दानिश के लिए इस तरह के वर्ड्स ना यूज़ करो, और दूसरा तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मैं ना उसकी कोई बुराई सुन सकती हूँ और ना उसके खिलाफ कुछ। इज दैट अंडरस्टूड? यानी सच ना बोलूं? अगर ये तुम्हारे लिए सच है तो फिर हम साथ काम नहीं कर सकते। क्या जबरदस्त बर्गर प्लानिंग की है आपने। आप देखें बेन, नहीं ये नहीं चलेगा, ये लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट है, यहाँ उस किस्म के लोग ही नहीं आते। यहाँ वो कपड़ों की दुकान वाले और ऑफिसेज वाले, वो उस किस्म की क्राउड आती है। अच्छा, और ये सब शोर शाह देख के लोग वैसे भी यहाँ कदम भी नहीं रखने वाले, तो ये बिल्कुल फ्लॉप प्लान है। लेकिन एक बात बताओ, आप दोनों के ख्यालात बड़े मिलते हैं। आप क्या करें? Thank you.
दानिया, are you okay? I don't know. अच्छा चलो छोड़ो, कहीं बाहर चलते हैं. नहीं मेरा मूड नहीं है. वैसे क्या कहा उन्होंने एग्जैक्टली? बस वही सब कुछ जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. मतलब ये कि वो वैसी नहीं निकली जैसे मैं सोच रही थी. अरे दादू क्यों कहती रहती हैं वो बुरी नहीं है. मतलब वो बुरी हैं? नेहा देखो वो सुनाना चाहती हैं सुनना नहीं चाहती, समझाना चाहती हैं समझना नहीं चाहती. और वो मुझे पूरा टाइम यही कह रही थी कि मैंने पूरी दुनिया घूमी है लेकिन कभी उनको ढूंढने की कोशिश नहीं की, कभी उनसे मिलने की कोशिश नहीं की. लेकिन दानिया वो सही कह रही हैं, हमने उनको तलाश करने की कभी कोशिश की ही नहीं. हमने रूहान को भी इंस्टाग्राम से ही ढूंढा था. नेहा रूहान को हमने इंस्टाग्राम से इसीलिए ढूंढा क्योंकि हमें उसका पूरा नाम पता था, हमें ये पता था कि वो कहाँ रहता है क्या करता है. दादू और बाबा ने तो कभी मुझे मेरी माँ का नाम भी नहीं बताया. मुझे अभी दानिश से पता चला है कि उनका हॉस्पिटल है एंड शी इज अ डॉक्टर. दानिश? हाउ डज दानिश नो? दादू ने उसको एड्रेस बताते हुए शायद बता दिया होगा. तो वो रहती कहाँ है, यहाँ पे या इस्लामाबाद में? शी हैज एन अपार्टमेंट हियर जिसमें मेरी सारी तस्वीरें लगी हुई हैं. और वो मुझे वही दिखा दिखा के बोल रही थी कि अगर मैं इतना कुछ कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकती थी. तस्वीरें उनके पास कैसे हैं? आई डोंट नो. मेरी सारी ईद की बर्थडे की तस्वीरें, एवरीथिंग दैट्स ऑन माय इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम? दानिया वो तुम्हारे इंस्टाग्राम पे हैं, अपना इंस्टाग्राम खोलो. नहीं मुझे अब नहीं जानना यार. कितना है? पूरे ही हो गया. ये हो गया 4 फुट. ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सर बस ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने स्टॉल्स लग सकते हैं और कितने टेबल्स. मैं समझा नहीं. माहम ऑफिस आओ. वैसे ये फूड कोर्ट दिन ब दिन कब्रिस्तान बनता नजर नहीं आ रहा. कब्रिस्तान का तो पता नहीं लेकिन मुझे अपनी कब्र नजर आ रही है. वो आपकी कब्र उधर और वो उधर मेरी कब्र. ऐसा ही है कि दंगाबली हमेशा इस तरह बात करता है? अरे नहीं सर हमेशा नहीं, मुस्कुरा लेते हैं ईद बकरीद पे कभी कभार. चन्नो बासुन आज खाने में क्या बना है? आज घर में कुछ नहीं पका है जी, भूख हड़ताल है. हैं? यानी आज किसी ने कुछ नहीं खाना? नहीं जी, मैं भी काम करके बस घर चली. एक तो जिसको देखो घर में मुंह मना के घूम रहा है. बताएं जरा ऐसी होती है मंगनियां, घर का नक्शा ही बदल के रख दिया है. रोहान भाई अपने घर वालों के साथ वापस चले गए, ना कोई दावत हुई, हद ही हो गई. जब मेरी तीसरी दफा बात पक्की हुई थी ना तब भी इससे ज्यादा रौनक थी मेरे घर पे. ओए जरा अंदर तो आ बैठ. ओहो इधर बैठ, रिलैक्स हो जा. अरे सही है बाजी. बैठ जा बैठ जा. बासुन कितनी शादियां की हैं तूने? 3 ही की हैं बाजी. अभी ये तीसरा वाले भी जरा ट्रैक से उतरेगा, मैंने चौथी कर लेनी है. शर्म नहीं आती तुझे? भाजी अगर बेशरम होती ना तो करती गुलामी. मैं ना कसम खाई है, ना मैंने अपने ससुराल वालों की गुलामी करनी है और ना ही अपने आदमी की. मैंने कमाना है तो उसने भी कमाना है, मैंने घर चलाना है तो उसने भी चलाना है. मैंने अगर उसके माँ बाप का ख्याल रखना है तो उसको भी मेरे माँ बाप का ख्याल रखना पड़ेगा. तूने इतनी इंटेलिजेंट बातें कहाँ से सीखी? बस ये 2 शादियां बहुत ही है सब कुछ सिखाने के लिए. इसीलिए मैंने एक पे नहीं की. खैर
आज ना शनु मैंने सबके लिए खाना बनाना है, तो तू ना जाकर मुझे सामान ला दे। भाजी किसी ने नहीं खाना, मैं बता रही हूँ ना आपको, आपकी मेहनत भी जाया होगी, खाना भी जाया हो जाएगा। तू ना फिक्र कर ना, सरसों का साग बनावांगी नाल मकई की रोटी, सब खाएंगे। तू ना जाके मुझे सामान ला दे, चल जा। शाबाश, चले जी, जैसी आपकी मर्जी है। थैंक्स दानिश, इसमें इतना फ्रेंड होने वाली क्या बात है? ये आइडिया फ्रेडी ने दिया था और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया है। देखो दानिश, हमारे पास बहुत स्पेस है और मुझे खुद बताओ कराची में सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस कौन सा है? रेस्टोरेंट्स का। देखो इस तरह लोग हमारे पास आएंगे और हमारे पास सिनेमा के लिए फंड्स जमा हो जाएंगे। ठीक कह रही हो, लेकिन ये काम तुम अकेले भी कर सकती हो, इसमें उस जोकर को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? फ्रेडी एक बहुत नॉन सीरियस किस्म का लड़का है और मुझे नहीं लगता वो कोई भी काम सीरियसली कर सकेगा। लेट्स वेट एंड सी। अभी वो फीजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहा है, फिर हमें खुद ही पता चल जाएगा कि वो कितना काम कर सकता है और कैसा। और पता है वो सिनेमा में इन्वेस्ट भी करना चाह रहा है। खुदा का खौफ करो माहम, फ्रेडी हमारे सिनेमा हॉल में इन्वेस्ट करेगा? इसका मतलब मुझे उसकी बातें भी सुननी पड़ेंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो सिनेमा हॉल में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो फूड कोर्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, और अगर ना भी चला तो उसका लॉस होगा ना, तुम्हारा तो नहीं। तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक क्रिएटिव और प्रैक्टिकल माइंडेड लड़का है, जिसे पैसे बनाने भी आते हैं और स्पेंड भी करने आते हैं। अच्छा, और ये बातें तुम्हें कैसे पता चली? ये देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। माँ जी परेशान लग रही हैं आप, गुस्सा आया हुआ ना आपको? एक काम करो ना, मैनू गालां काट लवो, गुस्सा तेरा एक मिनट च खत्म हो जाना। नहीं, मैंने क्यों गालियां देनी तुम्हें? कसूर तो सारा मेरा अपना है। खामखाई तानिया को बुला लिया मैंने, अपने गले में खुद मुसीबत का ढोल डाला है। ना माँ जी, कसूर सारा मेरा है। उस तरह मैं पागलों की तरह ना नाचती ना तो ये पसूड़ी नहीं पैनी सी। तो जो होना वो हो गया, लेकिन मुझे तो एहसान की फिक्र है। पता नहीं उसकी तबीयत क्यों नहीं ठीक हो रही, हर वक्त उसके सर में दर्द रहता है। लाइब्रेरी से निकलता है बेडरूम में चला जाता है, बेडरूम से निकलता है लाइब्रेरी में घुस जाता है। इसीलिए मैंने आज दोपहर को दावत रखी है माँ जी, खाना भी सारा मैंने खुद बनाना है और सबको घसीट के डाइनिंग टेबल पे आके बिठा देना है। भाई तुम किस खुशी में दावत कर रही हो? मैंने घर नहीं जाना, हड्डे ही बनवाते रहना है मैंने बस। ले दादू। हाँ जी। I'm sorry. अब आप किस लिए सॉरी हो रही है? क्योंकि आपने उन्हें मेरी वजह से बुलाया, नहीं बुलाना चाहिए था, it wasn't worth. से नहीं कहते दानिया, और मैंने तुम्हारी वजह से नहीं अपनी वजह से बुलाया उसे, क्योंकि मैं समझती हूँ उसका इस घर पे हक है, तुम्हारी माँ है वो। अगर माएं ऐसी होती है ना दादू, तो मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए आप और बाबा काफी है। क्या है बेटा, ऐसे नहीं कहते बेटे। कहाँ जा रहे हैं? मैं तो वकील के यहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। अच्छा, नहीं सुने उसकी क्या जरूरत है, एक काजी दो गवाह बुला ले, मसला हल। तुम्हारी यही तो बातें हैं जिसकी वजह से वो स्कैंडल बना था। क्या याद करा दिया एहसास साहब, उफ शला मरे कीड़े पड़े उसे। अच्छा सुने, ये बुशर्ट लिया आपके लिए, कैसी है? Very nice. अच्छी है ना? अभी इसी करवा लो, अभी मैं पहन लेता हूँ। अच्छा अभी लाए, अभी हाँ, चलो, हाँ। चलो 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 चलो। ओ एहसास साहब, एहसास साहब, एहसास साहब सुनिए तो, लंच के लिए तो रुके ना है। क्यों? मैंने दावत की है सबकी। दावत रखी है? वो मेरे जाने का टाइम हो गया ना। Right. दानी आजकल थोड़ी चिड़चिड़ी सी है, रुक जाओ कुछ दिनों के लिए। तुम हमारी कौन सी कोई फिल्में शूट हो रही हैं?
हाय, दुखती जाग पे हाथ रख दिया। तरस गई हूँ एहसान साहब कैमरे को देखने को। सीरियसली, आखिरी फिल्म आप ही के साथ की थी ना, और उस स्कैंडल के बाद तौबा कर ली थी। फिर मैंने कोई काम नहीं किया उसके बाद। इतनी डिप्रेशन में चली गई, इतना वेट लॉस हुआ, याद नहीं आपको? हाँ, खैर दानिया से बात हुई थी मेरी, कह रही थी कि उसको सिर्फ आप और अम्मा जी चाहिए, उसकी माँ नहीं चाहिए उसको। तानिया के साथ जो भी हुआ वो बुरा हुआ। कोई बुरा नहीं हुआ एहसान साहब, उसको समझ आ गई है कि उसकी माँ कैसी है, सब समझ आ गया दानिया को। मैं तो कहती हूँ दो चार बार और बुला लें उसको, ताकि जो गलत फहमी है वो भी ठीक हो जाए। क्या ख्याल है? सुनिए, आप लंच के लिए तो आएंगे ना? हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा। मामा जी, ये क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप? बाहर जेम्स बेचारा बेहोश पड़ा है, पड़ा रहने दो उसे यार। मैंने ये जरा से 20 साल पुराने अखबार क्या मंगवा लिए, वो तो तिल चिटे की तरह बिल्कुल चारों खाने चित पड़ा हुआ है, आराम खोर कहीं का। मामा जी, आप भी बहुत जुल्म करते हैं। वो बेचारा सारे घर के काम करता है, कुक भी वो, ड्राइवर भी वो, और सफाई भी वो करता है, और ऊपर से अब 6-6 महीनों की तनख्वाह काट लेते हैं उसकी, और अब 20 साल पुराने अखबार मंगवा लिए। मैं ढूंढ क्या रहे हैं आप? अरे तुम्हारी मामा ने वो जो खूबसूरत पाकीजा लड़की है उसके ऊपर जो इल्जाम लगाए वो मैं ढूंढ रहा हूँ इन अखबारों में, कहाँ है यार? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता जिस तरह तुम्हारी मामा ने ऑल फॉल कह दिया कि खुदा ना करे सनम जी का उस एहसान गंजे के साथ कोई चक्कर था। बताओ जरा मुझे, पढ़ के बताओ, बताओ। मामा जी, ये इंडस्ट्री के लोगों के बारे में तो आए दिन फेक न्यूज बनी होती है, आप क्यों इतना टाइम जाया कर रहे हैं? क्यों ना सनम जी से खुद पूछ लें? नहीं बाबा, मैं नहीं पूछ सकता, मुझसे तो सही तरह उनके सामने जाकर सलाम नहीं अर्ज किया जाता, इतनी बड़ी बात कैसे पूछ लूं, पागल है क्या? हेलो जी सनम जी। जी जी, आप खाना बनाएंगे तो हम जरूर आएंगे, बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाएंगे हम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। सनम जी ने लंच पे बुलाया है, शायद मेरी शादी का ख्याल आ गया, तभी हम दोनों को खाने पे बुलाया है। हमें नहीं, मुझे बुलाया। देखो तुम तो छोटे हो, इसलिए मैं अकेले तुम्हें बाहर भेज भी नहीं सकता, है ना? ठीक है, एक शर्त पे लेके जाऊंगा आपको मैं। बोलो बोलो। अगर आप डायरेक्ट सनम जी से पूछें कि वो एहसान अंकल में इंटरेस्टेड है या नहीं, मर गए तो शहीद और बच गए तो शादी। शन्नो, इधर आ, मेरा फोन उठा आके। मैं क्यों करूंगी बाजी? ओहो गुड़िया, मैं ना अननोन कॉलर नहीं उठाती। कह दे कि तू सनम बात कर रही हूँ। अच्छा। हेलो जी, जी सनम स्पीकिंग जी, कराची हूँ जी। क्या जी ड्रामा है जी? जी मैंने तो एक्टिंग छोड़ी हुई है, मैं तो लाहौर वापस जा रही हूँ। क्या जी? अच्छा जी, इसको देखो। शनि थोड़ी देर सोचने दें जी। आई विल कॉल जी। ओके जी। इधर बैठ। शनो, तूने ना मेरी बहुत अच्छी नकल उतारी है। बात सुन, तू ना मेरी मैनेजर बन जा। क्या ख्याल है? तुझे ना मैं 1.5% कमीशन दे दिया करूंगी। यस, 1.5%। यू लाइक? शर्मा गई, क्यूट। मामा जी, Freddy? मामा जी। हाँ जी। कुछ तो खुदा का खौफ करें, ये क्यों आप हर बार एक ट्रैफिक सिग्नल बन जाते हैं? क्या हो गया है? तुम क्या चाहते हो मैं कोई कसम पहन के जाऊं? हो सकता है ये मेरा आखिरी दीदार हो और मैं देवदास बन के नहीं जाना चाहता। मामा जी, डिसेंट से कपड़े पहन ले, वरना मैं आपके साथ नहीं जा रहा। अपने बाल तो तुमने 6 महीने से नहीं कटवाए हुए हैं? तो मेरी जो दिल में आएगा
मैं वही करूंगा, वही कमीज पहनूंगा, वही जैकेट पहनूंगा। हाँ, सोच लें, इस तरह की हालत में गए तो सनम। सनम जी आपको गोली मारे ना मारे, एहसान अंकल आपको जरूर गोली मार देंगे। इश्क क्या हो? दुश्मन की गोली से मैं नहीं मरने वाला, मरूंगा तो मैं सनम जी की गोली से। लाल कोट चुगताई, इस हाल में मैं तुम्हें हरगिज नहीं लेकर जाऊंगी। पापा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कोई नहीं जाएगा। हाँ शायद वो इंसान चला जाए जो गेट फलांग सकता हो, क्योंकि मैंने गेट को भी ताला लगा दिया। अल्लाह। तो क्या क्या खराबी है? बिल्कुल सही तो लग रहा है यार, बहुत फिट लग रहे हो, फिट लग रहे हो, कोई खराबी नहीं है। वेरी हैंडसम, इसी खुशी में चाबी दे यार जल्दी। थैंक यू भाई, लेकिन चाबी आपको सिर्फ तब मिलेगी जब मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा। आपा फ्रेडी, रोहान चलो बेटा जल्दी आओ यार, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ। गुड़िया कैसी लग रही हूँ मैं? एब्सोल्युटली रैविशिंग। जानी तारीफ उर्दू और पंजाबी में किया कर, बुराई बेशक अंग्रेजी में कर लिया कर, वो मुझे समझ नहीं आती तो बुरा भी नहीं लगता। बहुत अच्छी लग रही है मामा जी, तो आज गए पक्का। थैंक यू। उसको तो मैंने नहीं बुलाया। अच्छा तेरे साथ ना मैंने एक मशवरा करना है, आके बैठ इधर। बताए। मुझे ना आउट ऑफ ब्लू मून ड्रामा ऑफर हुआ। रियली? हाँ ना। वाह, तो तेरे से यही पूछना था कि मैं करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, करूं या ना। अब करना चाह रही हैं क्या? थोड़ा थोड़ा। अगर तो हुमायूं या फवाद के साथ ऑफर करते हैं देन यस आई विल डू, लेकिन अगर नहीं करते आई डोंट नो, तू बता, तू जंग है, करूं या ना करूं। देखें बाबा ही फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड बिकॉज यू आर अ मूवी स्टार, तो मुझे तो लगता है आपको बड़े पर्दे पे आना चाहिए। यानी पेशकश एहसान? उन्होंने मुझे एक दो दिन पहले बताया था। ओ वाओ, एक बार पहले उनकी फिल्म की थी, उस वक्त सबको सजा भुगतनी पड़ी, अगर फिर से उनकी फिल्म कर ली तो उस औरत ने जिंदगी हराम कर देनी है। ना भाई ना, मैं नहीं कर सकती एहसान साहब की फिल्म, बिल्कुल भी। आपको ना एक दफा बाबा से खुद पूछ लेना चाहिए। एक्चुअली आप अभी जाके पूछ लें। वो तो किसी लॉयर के पास गया। लॉयर के पास क्यों गए? अल्लाह जाने। दानिश क्या सोच रहे हो? टर्की से ट्रांजैक्शन आनी थी, अभी तक आई नहीं। कोई बात नहीं, आ जाएगी, टेंशन ना लो। तुम कहाँ गई थी? लीगैलिटीज का पता करने गई थी फूड कोर्ट के लिए। हमें पता तो हो ना कहाँ कहाँ से परमिशन चाहिए। ओ वेट, बस ये बाबा का लॉयर है ना, वो सब कर लेगा। मुझे दानिया के घर लंच पे जाना है, तुम चलियो साथ। नहीं नहीं, मुझे बाबा ने घर बुलाया है, तो ड्रॉप कर दोगे? लेट्स गो। बाय द वे दानिया कैसी है? कितनी देर से मुलाकात नहीं हुई। शन्नो, ये तेरे लिए मेरा सूट है, तू ले ले। मैं ले लूंगा जी, मतलब एक मिनट। नहीं सनम बाजी, तो बिल्कुल नया का नया है। मैं अब तू मेरी मैनेजर है ना, टिप टॉप लगना चाहिए तुझे। एंजॉय कर। थैंक यू बाजी। वेलकम बाजी। हाँ रफाकत, बुलडोजर की ट्यूनिंग हो गई यार, अच्छी तरह करना और उसके पेंट को रिन्यू करना है। अच्छा अच्छा, अच्छे किस्म का पीला रंग लगाओ। हाँ बस ओके भाई। महम जी इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। ये तुम रोज उठ के दानिश के ऑफिस चली जाती हो कि वहां हो क्या रहा है, कुछ मुझे भी तो बताओ। दानिश को टर्की से फंड मिल रहा है,
वो सिनेमा का साउंड सिस्टम प्रोजेक्टर चेंज कर रहा है। अच्छा फिर? तो फिर उधर फिल्म फेस्टिवल करवाएगा, आपको बताया तो था। मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये तो सब वो कर रहा है ना, नौमान बिल्डर्स की बेटी वहाँ क्या कर रही है? मैं उधर फूड कोर्ट प्लान कर रही हूँ और रेनोवेशन देख रही हूँ। वेरी नाइस। मैं गिराने पे लगा हुआ हूँ और तुम बनाने पे लगी हुई। तो फिर ऐसा करते हैं कि तुम्हारी शादी के बाद जहेज में बुलडोजर तुम्हें दे दूंगा, फिरते रहना दोनों मियाँ बीवी। आर्किटेक्चर की फीसें मैं भर रहा हूँ और सिनेमा जनाब का रेनोवेट हो रहा है। वो तो नहीं बदला मगर तुम उसके जैसी हो। बाबा वो अपना पैशन नहीं चेंज कर सकता, और इस बात पर इशू बनाकर रिश्ता खराब करने से अच्छा है कि हम दोनों में से एक कॉम्प्रोमाइज कर ले। पैशन, सुबह उठो पैशन, शाम को उठो पैशन, मतलब पैशन ही पैशन हो रहा है जनाब का। हाँ तो मैंने तुमसे यही पूछा था कि क्या सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज पे गुजार देनी है, कि वो अपने सैनमे पे पैसा लगाता रहेगा और तुम यूं ही सर झुकाए कहती रहोगी पैशन है पैशन है। सर नहीं होगा बाबा, शायद उसको पैसा कमाना आता ही ना हो, लेकिन मुझे आता है पैसा कमाना भी और उसको मल्टीप्लाई करना भी। मां मैं तुम्हें बता दूं कि ये एक लॉस्ट बेट है, तुम्हारी मंगनी भी और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री भी, और मैं तुम्हें इंतजार करने के लिए ज्यादा मोहलत नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता माहम हम भाइयों के गलत फैसले की सजा तुम्हें मिले। बाबा मैं कभी आपको ब्लेम नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। जाओ खाना खाओ, कुछ चेंज करो जाके। पांच छह। नेहा I hope मेरी ज्वेलरी मैच कर रही है। हाँ देखो और बाल देखो पीछे से। आठ ग्लास चलो पूरे जरा ट्राई करवाना। यमी मेहमानों के लिए पूरे आठ ग्लास बनाए थे मैंने, आप दोनों ने दो कम कर दिए। तो क्या हो गया है करशी जामिशीरी? दो मिनट में बन जाएगा, बना लो। फिर ग्लास भी लेके आओ। आइए आइए। थैंक यू बेटे। अस्सलाम वालेकुम आदाब, कैसे हैं आप? ठीक। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? हाय दादी, नजर नहीं आ रही? वो आ रही है जी, वो आ रही है। दानिया तुम इनको लेकर चलो। क्या हरकत की है भाई जो इस तरह गई है? आंख मारी होगी। एक से एक पागल है यहाँ पर। रोहन जाओ बेटा जाकर देखो क्या बात है। तुम किधर? चलो चलो। सनम जी क्या हो गया है, किधर जा रही है? एक मिनट रुकिए, बहुत चीची का ना मुंह नोच लूंगी मैं, समझा ले उसे। इडियट, बात तो सुनो सनम जी, एक मिनट। बस मामा जी बर्दाश्त नहीं होते उनसे बिल्कुल भी। और तुम्हारा दिमाग कुछ ठंडा हुआ? हाँ टाइम तो लगेगा। सब ठीक हो जाएगा, आप श्योर? इंशाल्लाह। चले एक सेकेंड। क्या हुआ? ये क्या है? क्या है? गिफ्ट है। क्यों? तुम्हारे लिए लाया हूं। क्या मतलब क्यों? तुमने कहा था ना एक्टिंग करनी है। अब दिल खोल के एक्टिंग कर रहा हूं मैं। मेथड एक्टिंग, मेथड एक्टिंग। वेरी नाइस, गुड चॉइस। तुम्हारी चॉइस? मेथड एक्टिंग बोला ना। मामा लेकर आई ना तुम्हारी, तो कौन सी मेथड एक्टिंग हुई फिर?
जाओ नीचे सारे वेट करें, मैं ये रख के आती। वैसे ये मुझे लाना चाहिए था ना। राहुल कब से इन फॉर्मेलिटीज में पड़ गया? झूठी सही, मम्मी तो हो गई है ना, अब रिभानी पड़ेगी। समझा करो। समझ गई। ये लाल कोट पे लाल फूल बहुत चीप लग रहा है। लिली, ओह हेलो मामा जी, ने जरा वॉशरूम जाना है, मैं जरा इनके हाथ धुलवाना। एक मिनट, अब तुम फिक्र मत करो, इनको बैतुल सुला का रास्ता हो बात है। जाइए। अच्छा, आई थिंक एहसान को कुछ वक्त लगेगा वकील के पास। हम लोग डाइनिंग रूम में चलते, खाना खाते। चल। बिल्कुल। चल, 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 चल। ए, क्या हो गया? तुम हरकतें देखी चुकता है कि हर जाके ना ऐसा सीधा करूंगी, सारी उम्र याद रखेगा। आशिकों की बद्दुआ ना दीजिए, आपके दोनों साहबजादे भी कुछ कम रहेंगे। एक को तो आपने ठिकाने लगा दिया, और अभी एक की बाकी है, और आपका भाई इन दोनों से भी बड़ा आशिक है। क्या हो गया? आप तो चुप रहे तो अच्छा है। आपको क्या लगता है, आपकी हरकतों से वाकिफ नहीं हूं मैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सलम जी ने मेरे लिए मेरी पसंद का जोड़ा पहन दिया।